Assalamu alaikum, this is Shahriya Mustafa. This is Humaira Naz. Huge in blank shots. Today we are at Ghazwa Uhud place in Medina Munawwara. My papa will give you some information. Let's explore. हम इस वक्त ग़ज़वा उहद के मैदान में मौजूद हैं, जहाँ पे मशहूर ज़माना ग़ज़वा उहद का मारका हुआ था। तो ये वो पहाड़ी है जहाँ पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दस्ता मुतय्यन किया था और उनको हुक्म दिया था कि यहाँ से नहीं हिलना जो सूरत हाल हो जाए। किसी वजह से उन लोगों ने अपनी पोजीशन छोड़ दी, तो हज़रत खालिद बिन वलीद ने, जो उस वक़्त ईमान नहीं लाए थे अभी, वापस पलट कर हमला किया और मुसलमानों का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ। तो ये एक मशहूर ज़माना ज़्यारत है जहाँ पे लोग खड़े आपको नज़र आ रहे हैं। ये वो पहाड़ी है और इसके पीछे वाला ये जो मस्जिद के गुंबद के पीछे है, ये उहद का पहाड़ है। और इस तरफ, जिस तरफ अभी हम जाएंगे, यहाँ पे वो कब्रिस्तान है जहाँ पे सैयद शुहदा हज़रत हमज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की कब्र मुबारक है और बाकी जो असहाब शहीद हुए थे उनकी कब्र भी यहीं है। And historical. यहाँ पे इर्द गिर्द बहुत पुराने खजूरों के बागात हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वक्त में ये जगह मदीना शरीफ से बाहर थी, लेकिन अब बढ़ते बढ़ते ये सेंट्रल एरिया का हिस्सा बन गई है। अभी हम लोग जा रहे हैं उस जगह जहाँ पे असहाबे कराम की कब्रें हैं। ये वाला सामने का हिस्सा है जहाँ पे लोग खड़े होके ज़ियारत करते हैं। पहले यहाँ पे इतना अच्छा सिस्टम नहीं बना था, अभी बाद में एक बड़ी मस्जिद बना दी गई। और बकायदा स्टॉल्स लग गए, लेकिन अब कोरोना की वजह से चीज़ें सारी फ़िलहाल बंद पड़ी हैं। फिर भी काफ़ी लोग आते जाते हैं। ये वो अहाता है जहाँ पे अंदर असहाबे किराम की कब्रें हैं। सुन्नत के मुताबिक जितना हुक्म दिया गया निशान बनाने का उतना ही है। तो यहाँ से लोग आते हैं, सलाम करते हैं, पहाड़ी पे जाते हैं,